सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्रुप सी में पॉइंट टेबल में बड़ी हालचाल मच गई है दोस्तों। यहां पर आप लोगों को बताते चले हैं पॉइंट टेबल में कौन सी टीम सुपर एट में पहुंच चुकी है। आप लोगों को यहां पर मुकम्मल तफसील से बताते हैं इसी वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी तमाम वीडियो अपडेट आप लोगों के साथ वक्त पर शेयर कर सकें। दोस्तों आप लोगों को बताते चले ग्रुप सी में जो छोटी टीम है अफगानिस्तान टीम, वो सुपर एट के करीब पहुंच चुकी है और जो बड़ी टीम है न्यूजीलैंड टीम, वो हार चुकी है। आज वेस्ट इंडीज से न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई, इब्रतनाक शिकस्त। आज के मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने 149 रन का टारगेट दिया जिसमें न्यूजीलैंड ने ये टारगेट ना बना सकी। 13 रन से न्यूजीलैंड टीम को इब्रतनाक शिकस्त हुई आज के इस मुकाबले में। और आपको ये आपको ये भी बताते चले कि पहले नंबर पर जो टीम पहुंच चुकी है 6 पॉइंट हो चुके हैं, वेस्ट इंडीज टीम पहुंच चुकी है क्योंकि ये मैच वेस्ट इंडीज में हो रहे हैं, होम ग्राउंड है वेस्ट इंडीज का। और दूसरे नंबर की बात करते चले, दूसरे नंबर पर जो टीम है अफगानिस्तान की बोलने की वजह से अफगानिस्तान इस मकाम पर दूसरे नंबर पर सुपर एट के करीब पहुंच चुकी है। और जो बड़ी टीम है न्यूजीलैंड की बात करते चले, न्यूजीलैंड को शिकस्त होती जा रही है जिसकी वजह से न्यूजीलैंड सुपर एट में नहीं पहुंच सकेगी और 2026 में न्यूजीलैंड को क्वालिफाई भी करना होगा इन छोटी टीम से, जैसा छोटे टीम है उनसे, अमरीका और भी टीम है उनसे इनको क्वालिफाई करना होगा जिसकी वजह से ये आगे पहुंच पाएगी। वरना ये 2026 में ये T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएगी। या दोस्तों आपकी हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो अगली वीडियो